एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रॉयल सुषमा। आज मैं बहुत दिनों के बाद कुछ ऐसे बैठी हूँ लुक में आप लोगों के साथ वीडियो बनाने के लिए, ताकि मैं जल्दी से अपना कोई वीडियो, न्यू वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। काफ़ी टाइम हो गया, कुछ 15-18 डेज होने लगे मैंने न्यू वीडियो पोस्ट मैं नहीं कर पाई हूँ, जो कि मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था कि बट कुछ कारण ऐसे ऐसे थे कि मैं नहीं बना पा रही थी वीडियो। बट अब से मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के साथ रेगुलरली वीडियो जाए, बट कभी ना जाए तो आप लोग समझ लेना कि मैंने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया है। थोड़ी सी कभी कभी आपको पता ही, हमारे शेड्यूल को मैनेज करना और बस यही बात है। तो चलिए आज हम एक सिंपल सा मेकअप करेंगे और विदाउट फाउंडेशन ये मेकअप होने वाला है। इसे आपको पता ही है कि विदाउट फाउंडेशन बहुत बार हुआ है, बट ये कुछ स्किन केयर के साथ मेकअप स्टार्ट होगा। सो चलिए, आपने इसे देख लिया है कि मैंने अपने सिंपल से बालों को बनाया है। वैसे मेरे हेयर में बहुत ज़्यादा ऑयल है और मेरी इस वजह से मेरे फेस से भी उसका इफेक्ट आ रहा है। अभी मैंने अपने बिल्कुल ये नेक से मिलते हुए डिज़ाइन की मैंने इयर रिंग पहन ली है और अब देखते हैं मेरा सिंपल सा स्किन केयर के साथ सिंपली सा मेकअप। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये टोनर। वैसे तो ये मैंने एक दूसरे बॉटल में इसे ट्रांसफ़र किया है, बट ये आयुर का टोनर है और इसकी मुझे वर्क अच्छी लगती है, बट स्मेलिंग मुझे थोड़ी सी मुझे ये बहुत ज़्यादा स्मेल की इसकी प्रॉब्लम होती है, बट इसके वर्क को देखते हुए मैं यूज़ कर लेती हूँ। मेरी आँख नहीं खुलती इसको लगाने के बाद, बट हाँ ये इसका वर्क मैंने देखा, ये एज अ वर्क मुझे बहुत पसंद आया है। और साथ ही मैं जब अपने सनस्क्रीन को साथ लेकर इस मेकअप को कंप्लीट करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि सनस्क्रीन हमें रेगुलरली यूज़ करना चाहिए। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि सनस्क्रीन जब वो बाहर जाते हैं या धूप में जाते हैं तो यूज़ करते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप रेगुलरली यूज़ करते हो और आप बाहर नहीं भी जा रहे हो, घर पे हो, तो भी कुछ ना कुछ वो इफ़ेक्ट वो आपके फेस पे पड़ती है। इसलिए ऐसा कोई ना करे, अगर आप सनस्क्रीन यूज़ करते हैं तो रेगुलरली करिए। घर पर भी रहिए तो भी करिए, बाहर जाइए आप तो भी करिए, क्योंकि आपको पता है सन बहुत ज़्यादा डैमेज करती है हमारे हेयर को, हमारे स्किन को। तो अगर बाहर आप जाते हो तो उसकी इफ़ेक्ट आपके फेस पे कुछ ज़्यादा पड़ती है, बट जब आप घर में हो तो थोड़े बहुत उसके भी इफ़ेक्ट आती है। इसलिए सनस्क्रीन को यूज़ ज़रूर करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सनस्क्रीन के लिए यूज़ कर रही हूँ ममा अर्थ का ये अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन, जैसा कि आप देख सकते हो, सन प्रोटेक्शन और SPF 50 के साथ ये हमें यहाँ पर रिसीव हुआ है एंड इसके प्राइस है 199 रुपीज़। चलिए इसे हम अप्लाई कर लेते हैं। आप कोई भी सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं, बट काफ़ी सारे अवेलेबल है लोकल शॉप्स पे, ऑनलाइन स्टोरेज पे भी काफ़ी ज़्यादा है, सो आप यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। वैसे भी मुझे तो ये सनस्क्रीन काफ़ी पसंद आया है। मैंने नेचर्स का भी यूज़ करा था और एक दो मैंने और यूज़ करे हैं, बट ये मुझे अच्छा लगा, इसके रिजल्ट मुझे काफ़ी पसंद आई है। अब हम यहाँ पर लगाएंगे NYBA का प्राइमर। प्राइमर तो मस्ट है, प्राइमर का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अगर प्राइमर नहीं है तो आप कोई भी जेल यूज़ कर सकते हो, एलोवेरा जेल टाइप। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शाइनी पर्ल का स्विस ब्यूटी का बीबी क्रीम। कुछ क्वांटिटी हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी फाउंडेशन कंसीलर वगैरह अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ज़्यादा लगाई थी तो मेरे पूरे फेस पे बिखरा सा लग रहा है, मैं इसे अपने हैंड की हेल्प से अच्छे तरीके से मिला लूँगी।
से ब्राउन शेड को कलर दूंगी अपने, क्योंकि बिल्कुल नेचुरल सी लगे आईज पर। सर तो मेरे आईब्रोज थोड़े से आप देख सकते हो बड़े हो गए हैं, बट फिलहाल मैं इस। और अब बारी आती है ब्लश की। सो ब्लश के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू हेवन का ब्लश लिया है और ये थोड़ा पिंक स्टोन में है, तो मैं इसे अप्लाई करूँगी। अब बात करेंगे, हल्का सा मैं हाईलाइट करूँगी, बिल्कुल हल्का सा, क्योंकि मैं एक आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ, तो बिल्कुल हल्का सा इस जगह पर मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल ज़रा सा। सो अब हम लगाएंगे अपना आईलाइनर जो कि ब्लू हेवन का एंड्रॉइड। सो मेरा आईलाइनर भी लगभग कंप्लीट है, आज मेरे से लाइट की कमी है मेरे रूम में, आप देख सकते हो। और अब हम अपने सिर्फ लिप को सेट करेंगे, और लिप को सेट करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ लिप और लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पर लिया है हुडा ब्यूटी की ये लिपस्टिक प्लस आई शेडो। लिपस्टिक कम ज़्यादा ये आई शेडो है, बट मेरे को ये शेड एज अ लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद आता है, और मेरे बिल्कुल मेरे कपड़े के शेड से बिल्कुल मैच होने वाला है। सो अब ये मेरा लुक आपको मैं अच्छे से दिखाती हूँ, और एक चीज़ की कमी रह गई है जो मैंने अभी ट्राई नहीं किया है, वो है ये जो मैं आपको लाइट में दिखाई हूँ।